अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समर खान है और मेरा ताल्लुक ज़िला दीर से है और आज हम यहाँ होम रन रेड बुल होम रन रेस में आए हुए हैं और जैसा कि आपको लग रहा है इट्स वेरी वेरी सनी और स्नो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो हमने एक थोड़ा सा पैच सही किया है रेस के लिए कि एटलीस्ट हमारा इवेंट हो जाए, क्योंकि हमारा लॉन्चिंग इवेंट है होम रन के, इट्स द फर्स्ट इंटरनेशनल रेस, तो हम सारे कोशिश कर रहे हैं स्नो बोर्डर स्कीयर्स के अच्छे से हो। गिलगित हंजा स्कर्दू इस्लामाबाद हर जगह से यहाँ पे आए हुए पार्टिसिपेंट्स, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द रेस। रिजॉर्ट बहुत ही मज़ेदार है और हम लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं। तमाम लोग इस हेल्दी एक्टिविटी का हिस्सा बने और तमाम लोग इसको इन्जॉय करें, एक पुरअमन पाकिस्तान का मैसेज पहुँचे। बहुत शुक्रिया। सो आई एम आर्थर फ्रॉम द यूके एंड आई हैव फ्रेंड्स हियर इन पाकिस्तान थ्रू माय पेरेंट्स लिव हियर एंड सो या वी केम हैड हर्ड अबाउट मैडम जाबर थ्रू फ्रेंड्स हु हैड बीन हियर एंड वी न्यू द स्नो वाज़न्ट गोना बी the best it can be, but it's still really good fun. All right, so my name is Jonas, I'm from Sweden. I'm here in Malmdrabba now for this great Red Bull event. So we're gonna race up, put on our snowboards and race down. It'll be fun. So I live in Pakistan and I wanted to go to Malmdrabba and I found this event was going on, so we picked this weekend. My name is Anya and I'm from Poland. I really enjoy skiing down this slope. It's really a lovely one. The snow is fresh and nice. Hopefully there will be more snow coming, and I really love Pakistani mountains. There are so many slopes here, so hopefully it can really develop and you can have huge ski resorts like everywhere in the world and really enjoy the snow experience here, which could be fantastic. मेरा नाम अजीज़ा गुल है और मैं यहाँ मडगलस से स्की करने आई थी, वो चतराल के एक छोटा सा वादी है, और जब हम यहाँ आए तो यहाँ पे बर्फ़ इतना भी नहीं था, मैं यहाँ ऊपर गिर भी गई थी, लेकिन मैं एक स्की की मदद से इधर आके पहुँच गई। मैंने हिम्मत नहीं हारा।
इस इवेंट के विनर्स को और जो रनर्स अप से थर्ड पोजीशन होल्डर्स हैं सबको दिल्ली मुबारकबाद पेश करता हूं और इस इवेंट के इनका पे रेड बुल को खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने होम रन के नाम से जो कि पूरी दुनिया में इवेंट्स कराते हैं पहली दफ़ा मलम जब स्वागत आए हैं जी मेरा नाम अली हसन है मैं चित्राल से आया हूँ और इधर मेरे स्नोबोर्डिंग की फ़र्स्ट पोजीशन है और स्लोप के बारे में अगर मैं बताऊँ तो स्लोप कंडीशन कुछ अच्छा नहीं है बिल्कुल स्नो पिघल गया ख़त्म हो गया है आखिरी साइड में तो आइस है अगर गिर गए तो डेंजरस है मेरा नाम वकील अहमद है मैं गिली पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और यहाँ पर मेरी सेकेंड पोजीशन स्नोबोर्डिंग में ग्राउंड की जो सिचुएशन थी थोड़ी आई थिंक टफ थी लेकिन हमने कर दिया क्योंकि हम यार हम वहाँ से आ रहे हैं तो हम ये नहीं सोचते कि इसके ऊपर आए से इसके ऊपर क्या करें नहीं हमने हमारी जो फोकस होती है वो खेल के ऊपर होती है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने गोरों के साथ भी खेला बहुत मज़ा आ गया क्योंकि गोरे कुछ हमें सिखाए कुछ हमने किसी को सिखाया। अस्सलाम वालेकुम जी मेरा नाम रहमत अली और मैं सिविल एविएशन की तरफ से पार्टिसिपेट करता हूँ हम तो हर साल स्कीइंग करते रहते लेकिन इस साल पे बर्फ़ बहुत कम था और इस वजह से स्लोप ज़रा डेंजरस था तो उनके बावजूद भी माशाल्लाह हमारी टीम क्वालिफाई कर गए। कि मालम जबा कितना खूबसूरत जगह है और फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट दिस मींस मालम जबा दखस्ता तो दखस्ता पश्तो में द ब्यूटीफुल को कहते हैं तो आई एम श्योर यू मस्ट बी सीइंग कि इट इज रियली अ ब्यूटीफुल प्लेस और पीसी होटल यहाँ पे है तो तमाम जो इंटरनेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एक अच्छे रिजॉर्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है वो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है रेस्टोरेंट अच्छी क्वालिटी का फूड मैं शुक्रिया अदा करूँगा हाशू ग्रुप का कि उन्होंने मालम जबा रिज़ॉर्ट को अपनी प्रेजेंस से अपने ब्रांड नेम से अपनी स्टाफ से यहाँ पे इसको एक ऑनर दिया और पीसी को देखते हुए बाकी ब्रांड्स भी यहाँ पे अब आ रहे हैं माशाल्लाह से जैसे ग्लोरिया जीन्स कॉफ़ी शॉप एक बड़ा अच्छा इंटरनेशनल ब्रांड नेम है वो भी आ गया है यहाँ पे और इस तरह बाकी भी ब्रांड्स आ रहे हैं तो अगर इस तरह सपोर्ट जैसे एमएनए साहब ने अपने स्पीच में कहा जैसे एमपीए साहब ने बड़ा ब्लंटली और बड़ा क्लियरली बोला कि हम इस तरह के इन्वेस्टर्स को अगर सपोर्ट करेंगे तो और भी इस तरह की कंपनीज यहाँ पे आएंगे जो कि स्वात की टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। इमरान ख़ान की हुकूमत की ये तरजीहात में शामिल है कि यहाँ पे हम टूरिज़्म को प्रमोट करें और उसके लिए चूँकि ये डिवॉल्व है 18 अमेंडमेंट के बाद सूबे के पास है टूरिज़्म तो खुशकिस्मती से हमारे वज़ीर आला साहब भी सवात ही से हैं और सवात टूरिज़्म का हब है अब से नहीं है कई बल्कि सदियों से हैं यहाँ पे लोग आते रहे हैं और चीन से लेके यूरोप तक और उसकी निशानियाँ अब भी हैं यानी कल्चरल टूरिज़्म अगर यहाँ पे हम देखें रिलीजियस टूरिज़्म देखें तो ये उसका भी हब है तो उन तमाम इस पोटेंशियल को देख के मरकज़ी और सूबाई हुकूमत मुश्तरका तौर पे फैसिलिटेट कर रही है इस टूरिज़्म को यहाँ पे और ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी इसीलिए है कि जो पोटेंशियल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म में है वो बाकी किसी सेक्टर में नहीं बाकी सेक्टर में टाइम लेगा क्योंकि उसके लिए जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है अभी तक 72 साल में किसी ने प्रोवाइड नहीं किया हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो टाइम लेगा लेकिन टूरिज़्म एक ऐसी चीज़ है कि हम इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी फौरी तौर पे जनरेट कर सकते हैं जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा जहाँ जिससे यहाँ पे पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो पूरी दुनिया में जाएगा और हमारे खिलाफ़ जो
بین الاقوامی سازشیں ہیں وہ بھی دم توڑ دے گی انشاءاللہ تعالیٰ.